उल्हासनगर शहर की सड़क गड्ढों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। नगर निगम इस सड़क की हालत पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने आज इन गड्ढों से गुजरने वाले वाहन चालकों को गुलाब के फूल बांटे। यह जन जागरण नगर निगम का ध्यान गड्ढे की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया था। उल्हासनगर शहर में मानसून की शुरुआत के बाद से कई सड़कें गड्ढों के कारण टूट गई हैं। वहीं नगर निगम से उम्मीद है कि इन गड्ढों को भरकर नागरिकों को राहत दी जाएगी। एनसीपी का आरोप है कि नगर निगम इन गड्ढों की ओर से पूरी तरह आंखें मूंदे हुए हैं, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पीयूष वाघेला के आदेशानुसार गड्ढे से गुजर रहे वाहन चालक को गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया गया और उनकी यात्रा को सुखद बनाने की कामना की गई। इसलिए एनसीपी पार्टी के पीयूष वाघेला के आदेश के मुताबिक इसे कार्य को अंजाम दिया गया। एक्चुअली ये आंदोलन नहीं है, ये हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ये जन जागरूक अभियान कर रहे हैं। हम लोग उल्हासनगर शहर हमारा 3 विधानसभा के अंदर बटा हुआ है, 140, 141 और 142, और उल्हासनगर शहर पिछले 15 सालों से यही देखते आ रहा है कि नेता बदली होते हैं, सरकारें बदली होती है, लेकिन रास्ते बदली नहीं हो रहे हैं। रोड कटिंग वाइंडिंग हुई 141 विधानसभा में, वो रोड के काम आधे अधूरे में अटके हुए हैं। आप देख सकते हो ये हीरागढ़ का परिसर, यहाँ पे धर्मस्थल है, थारा सिंह दरबार है, यहाँ पे कितने श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पे आने की उनको कितनी प्रॉब्लम, कितनी तकलीफें होती है। आप यहाँ से वन वे देख सकते हो, डर्बी होटल वाला रोड, यहाँ पे इमरजेंसी किसी को रहे तो उसके साथ क्या होगा। इसलिए हम लोग जन जागरूक अभियान लोगों को फूल दे के कह रहे हैं कि आप हमारे शहर के रहवासी हो, आप भूल लो, क्योंकि ये रास्ते से किस तरह आप सफर कर रहे हो, वो टैक्स भरते हैं, वो गाड़ी का टैक्स भरते हैं, वो ये अपघातों में हॉस्पिटल का बिल भरते हैं जो इंजरी होती है, तो और उसके बाद ही थकते नहीं है, उसके बाद ये आने वाले चुनावों में सर्व राज्य के चुनावों में वोट देकर लोगों को जिताते भी है। इसलिए लोक प्रतिनिधियों को इन लोगों के ऊपर ध्यान तो नहीं है, लेकिन जनता को जगाने के लिए ये जन जागरूक अभियान हम कर रहे हैं। उल्हासनगर में 3 आमदार है, तीनों आमदारों को अधिवेशन अभी चालू है, क्या आप उनको मांग करेंगे? पहले तो मैं किसी के लिए अभी बोलूं, उससे अच्छा मैं आपको यही बोलता हूं, आमदार कहीं दिखाई देते नहीं है। अंबरनाथ विधानसभा का आमदार उल्हासनगर क्षेत्र में कभी घूमता नहीं है, कल्याणपुर का आमदार उल्हासनगर क्षेत्र में कभी घूमता नहीं है, उल्हासनगर का आमदार कहाँ पे भी दिखता नहीं है, और उसने आज तक उल्हासनगर के कौन से विषय हाउस के अंदर लिए, अधिवेशन के लिए कभी नहीं किए। इसके लिए हम लोग जन जागृति अभियान कर रहे हैं कि जागो, ऐसे लोक प्रतिनिधियों को अपना कीमती वोट देकर ऐसे लोगों को हाउस में मत भेजो जो तुम्हारी आवाज आगे तलक नहीं पहुंचा सकते। इनको करना क्या है, इनको जिताया है लोगों ने, विश्वास रखा है उनके ऊपर, आज सत्ता में, लेकिन शहर का विकास धरा का धरा है। इसलिए जन जागृति अभियान आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में बराबर जवाब मिलेगा, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके इन सब के खिलाफ है और इनका सबका निषेध करती है।